प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। दिशा सालियान की मौत के मामले में बीजेपी शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे को घेरा, अब एसआईटी करेगी जांच। आज महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र में आदित्य ठाकरे को घेरते हुए बीजेपी और शिंदे गुट ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया। फडणवीस ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान किया। आज नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन बीजेपी और शिंदे गुट ने दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाकर आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश की। इस वजह से विधानसभा में इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि चार बार विधानसभा और दो बार विधान परिषद का सत्र स्थगित करना पड़ा। नीतीश राणे, भरत गोगावले, माधुरी मिसाल, मनीषा चौधरी, भारती लवेकर ने मांग की कि दिशा सालियान की मौत 9 जून 2020 की मौत कैसे हुई इसका खुलासा करने के लिए एसआईटी की स्थापना की जाए और फिर से जांच शुरू की जाए। देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठन की मांग मान ली। तीन बार सदन स्थगित होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सभागृह में यह घोषणा की कि दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। विपक्षी नेता अजित पवार ने कहा कि फिर शिंदे गुट के नेता और मंत्री संजय राठौड़ का नाम टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत में सामने आया है, उसकी भी जाँच हो। अजित पवार ने आगे कहा, जमीन घोटाले के आरोपों से घिरे सीएम शिंदे को बचाने के लिए ये सब नौटंकी की जा रही है। उन्होंने सदन से बाहर आकर मीडिया से कहा कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की जांच पूरी हो गई थी, सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। जांच में ये साफ हो गया कि दिशा सालियान ने खुदकुशी की, फिर जबरदस्ती इस मुद्दे को उठाना नौटंकी नहीं तो क्या है। मुद्दे की बात नहीं की जा रही है और विधानसभा का समय बेकार में नष्ट किया जा रहा है। इन्हें सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है क्या?